आदमी साहब संघ का प्रदेश कोर कमेटी का बैठक संघ के प्रदेश कार्यालय पुनाई चेक में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 16 जून 2022 को दिन बृहस्पति 11 बजे से 4 बजे तक निषादों के साथ संतरी मांगों हेतु एक महाधरना आयोजित किया जाएगा। ये प्रमुख मांगे जो वर्षों से लंबित है, सरकार के यहाँ हमने हर एक पदाधिकारी मंत्री विभागीय मंत्री विभागीय पदाधिकारी को हमने पत्र द्वारा अवगत करा दिया, बाकी ये लोग अभी कुछ सुन रहे हैं। इसलिए हमको ये 7 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए हम धरना हम देने जा रहे हैं। पहला मांग है परंपरागत मछुआ का सूची जारी करना, और जब तक सूची जारी नहीं हो तब तक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव नहीं करना। दूसरा मांग है कि 14% आबादी निषादों की है, हम इस संख्या के अनुपात से राज्यसभा और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, और हमारा जलकर जो है जलकर बंदोबस्त जलकर पर सुरक्षा नहीं है, जो दबंग लोग मछली मार लेते हैं, तो हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जलकरों की सुरक्षा के लिए अंचलाधिकारी और अध्यक्ष को जिम्मेवारी दी जाए, और मछुआरा आयोग का गठन जो बंद हुआ था आज मछुआरा आयोग का पुनर्गठन शीघ्र किया जाए। तीसरा, नदियों में प्राय मछलियाँ कम है, नाव घाट समाप्त है, तो जीविका का साधन सभी समाप्त करीब हो गया है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि नदी के दियारे में भूमि खेती जो भूमि की बंदोबस्ती निषाद भूमि निषादों के साथ की जाए, और जो बालू खनन की बंदोबस्ती में भी निषादों के साथ कोटा निर्धारित किया जाए। निषाद गोता को जिसको सरकार एक दिन जब जरूरत होता है तो बुलाती है, उसी दिन की मजदूरी देती है, हम ही मांग करते हैं कि इनको नियमित बहाली कर दिया जाए। 16 जून को जो धारणा देने का हमारा कारण है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय अभी सब प्रदर्शित कर दिए कि हमारी 7 सूत्री मांगें लंबित है बहुत दिनों से, और इस 7 सूत्री मांगों के लेकर के हम कई बार लिखित दिए हैं, लेकिन इस पर कोई हमारा कार्रवाई नहीं हुआ और उस मांग पर कोई सोचा नहीं है। तो हमारी मांग को जब सरकार सुन नहीं रही है तो हम तो सरकार को दिखलाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे ही ना, अगर धरना प्रदर्शन हमारा नहीं होगा तो सरकार सुनेगी कैसे। इसलिए सरकार को ही बताना है कि हमारी लंबित जो मांग है और जितने हमारे निषादों को जीने के लिए जो से कि हमारा विकास का कार्यक्रम है, नदी से मछली मारना, परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना, परंपरागत मछुआरा ही उसका सदस्य हो, गैर परंपरागत मछुआ को हटाना, ये सारा चीज़ जिम्मेवारी सरकार की होती है। और नदी नाला जितने जो है गंगा के गर्भ में जितने जो भूमि है उस सारे भूमि को अधिकार मछुआरा को मिले और मछुआरा के भूमि मिले, और जितने बालू का निकासी अभी हो रहा तो मछुआरा का जीने का साधन नहीं है, नदी नाला में मछली है नहीं और नाव आने जाने का जीविका का साधन नहीं है, उस अपेक्षा कम से कम बालू खनन में भी उसका भागीदारी होना चाहिए। कि पटने के 342 जो तालाब था यहाँ लोग अतिक्रमण कर लिया, आज तालाब नजर नहीं आता है, आज मकान समझ में आता है, तो ये सरकार के ढिलाई है और उनका उनके आदमी का ये साजिश है जिसके चलते आज सारा मछुआरा निषाद लोग बेरोजगार है, भूखमरी के कगार पर है। 342 तालाब यहाँ नहीं होता, ये पटना जिला के, हम बिहार के नहीं कर रहे, जो कभी इसमें मलाह निषाद बिजनेस रोजगार करते थे आज वहाँ सारा तालाब भर दिया गया, उस पर मकान बना दिया गया, तो उसके एवज में उसके विकल्प में आपने क्या किया। तो इस तरह से बात है, बहुत तरह के अभी अध्यक्ष जी ने बोले कि गोताखोर को नियमित करने के लिए सरकार के लोग कहीं कोई भाई कोई लोग डूब जाते हैं तो बुला के उसको निकलवाते हैं जिंदा या मुर्दा, लेकिन उसके बदले में क्या देते हैं, उसको 300-400 रुपया डेली का देते हैं, वो भी एट ए टाइम नहीं देते, जोड़ के साल में देते हैं और उनको नियमित नहीं करते।